झालावाड़ के मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बैनर तले 16 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड स्कूटियों का वितरण किया गया। झालावाड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड स्कूटियों की चाबियां सौंपी। मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में जैसे ही दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड स्कूटी की चाबियां मिली तो उनके चेहरे पर खुशियां झलक पड़ी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर समेत कई कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट घोषणा में दिव्यांगजनों को राहत देते हुए यह कदम उठाया था। इसी के तहत दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड स्कूटी का वितरण कर राहत दी गई है, जिससे उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या के कामों में काफी सहूलियत मिल पाएगी। आज 16 दिव्यांगों को ट्राई मोटरसाइकिल दी गई है, क्योंकि सीएम साहब के पिछले साल की बजट घोषणा का एक बिंदु था, उसके तहत इन सभी दिव्यांग भाइयों को ये दी गई है। क्योंकि सीएम साहब ने 3 दिसंबर को वर्चुअल तो कर दिया था इसका, आज सभी को ही, क्योंकि लेट आने की वजह से आज सभी को विधिवत सभी दिव्यांग भाइयों को आज स्कूटी का वितरण किया गया। क्योंकि हमेशा गहलोत साहब का एक ही सोच और विचार होता है कि हमेशा इस तबके के लोग, चाहे वो दिव्यांगजन हो, पिछड़े वर्ग के हों, गरीब हो, ऐसाई हो, विकलांग, इन सभी का ध्यान रखा जाता है, और उसी के तहत आज इन सभी को ये स्कूटी वितरण की। टाइम एट राजस्थान के लिए झालावाड़ से सुनील निगम की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट राजस्थान। टाइम एट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम एट राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का। झालावाड़ के मिनी सचिवालय स्थित जिला कलेक्टर कार्यालय परिसर में आज सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के बैनर तले 16 दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड स्कूटियों का वितरण किया गया। झालावाड़ जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड स्कूटियों की चाबियां सौंपी। मिनी सचिवालय परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में जैसे ही दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड स्कूटी की चाबियां मिली तो उनके चेहरे पर खुशियां झलक पड़ी। इस अवसर पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर समेत कई कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट घोषणा में दिव्यांगजनों को राहत देते हुए यह कदम उठाया था। इसी के तहत दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड स्कूटी का वितरण कर राहत दी गई है, जिससे उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या के कामों में काफी सहूलियत मिल पाएगी। आज 16 दिव्यांगों को ट्राई मोटरसाइकिल दी गई है, क्योंकि सीएम साहब के पिछले साल की बजट घोषणा का एक बिंदु था, उसके तहत इन सभी दिव्यांग भाइयों को ये दी गई है। क्योंकि सीएम साहब ने 3 दिसंबर को वर्चुअल तो कर दिया था इसका, आज सभी को ही, क्योंकि लेट आने की वजह से आज सभी को विधिवत सभी दिव्यांग भाइयों को आज स्कूटी का वितरण किया गया। क्योंकि हमेशा गहलोत साहब का एक ही सोच और विचार होता है कि हमेशा इस तबके के लोग, चाहे वो दिव्यांगजन हो, पिछड़े वर्ग के हों, गरीब हो, ऐसाई हो, विकलांग, इन सभी का ध्यान रखा जाता है, और उसी के तहत आज इन सभी को ये स्कूटी वितरण की। टाइम एट राजस्थान के लिए झालावाड़ से सुनील निगम की रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम एट राजस्थान। टाइम एट राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने टाइम एट राजस्थान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।